स्थानीय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में आयोजित प्रथम समर कैंप का समापन आज तैराकी प्रतियोगिता के साथ संपन्न हुआ। इस कैंप में ज्ञान ज्योति विद्यालय के साथ साथ नगर के अन्य विद्यालय जैसे डीएवी माउंट लिट्रा क्रिक के साथ ही वाराणसी के आर्यन तथा दिल्ली के रियान इंटरनेशनल के छात्र छात्राओं ने ट्रेनिंग ली। इस समर कैंप में बच्चों के लिए मुख्य आकर्षण स्विमिंग, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट तथा कंप्यूटर के माध्यम से इंग्लिश बोलना रहा। आज की तैराकी प्रतियोगिता में बालक वर्ग में दिव्यांग प्रथम तथा पारिजात द्वितीय एवं बालिका वर्ग में निशिका प्रथम तथा शक्तिमा द्वितीय रहे। साथ ही समर कैंप के दौरान अच्छे आचरण के लिए शक्तिमा एवं आद्रिका को तथा सर्वोत्तम तैराकी प्रदर्शन के लिए एंड्री को प्रशस्ति पत्र सह पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साह वर्धन किया गया। प्राचार्य श्रीमती सीपी जैन ने बच्चों के रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग जैसे तकनीकी विषयों में उत्सुकता देखकर यह घोषणा की कि समय समय पर उस तरह की सुविधाएं हम उपलब्ध कराते रहेंगे। कार्यक्रम का मंच संचालक चतुरानंद ओझा ने किया। इस अवसर पर ज्ञान ज्योति के निदेशक आदित्य विजय, CEO अजय कुमार, कमलेश राय, राकेश पाठक, अनीता अरोड़ा, तबस्सुम बानो, अरविंद ओझा, प्रणय, मनीष आनंद, गुड़िया, मिथिलेश पांडे, सुशील जी, राहुल शर्मिका, राकेश, अमित, सुनीत कुमार, विजय अरहंत सिद्ध तथा विद्यालय के अन्य शिक्षक तथा शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। The first is Nishika, me. I am second. In our school, Gyan Jyoti Avasi Vidyalaya, and in Ara, this is the one and only first swimming pool. On 24th May, it was started, and 15th of June, it will be completed. I am मैं सबको एक मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप जीते या हारे बस पार्टिसिपेट किया जाता है। थैंक यू। सबसे ज़्यादा 3D और आर्ट में आर्ट में तो फ्लावर बनाना और फ्लावर पॉट बनाया हूँ, उसके अंदर फ्लावर है। और रोबोटिक्स में मेरा रोबोट्स बनाया हूँ दो चार को। और आगे भी समर कैंप में जाना चाहोगे? बहुत अच्छा किया। रोबोटिक्स में हमने बहुत सारे रोबोट बनाया और उसे चलाया। डांस में मज़ा आया, डांस टीचर ने सिखाया, टाइक्वांडो में सर ने सिखाया। Now, ladies and gentlemen, now we come to the in the boys category, Kumar and Rashi, and second prize goes. Gentlemen, you can see he has made a Taj Mahal in the Robotics Lab, TV Lab. आज
ज्ञान ज्योति अवासीय विद्यालय में समर कैंप का समापन हुआ है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज थी। सबसे मुख्य आकर्षण बच्चों के लिए था स्विमिंग। स्विमिंग पूल हमारा अभी तुरंत ही इनोग्रेट हुआ है लास्ट मंथ, और बच्चों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन था स्विमिंग, जिसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया और उन्हें स्विमिंग हम लोगों ने के इंस्ट्रक्टर्स ने सिखाए। उसके अलावा रोबोटिक्स, डांस, 3D लैब से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों ने की है, योगा सीखा है उन लोगों ने, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन, आर्ट क्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बच्चों ने यहाँ ड्यूरिंग समर कैंप सीखी है। विभिन्न स्कूल के भी बच्चे इस कैंप में आते हैं, हाँ लगता है कि आने वाले दिनों में जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं आपके स्कूल में आकर कुछ अलग अलग एक्टिविटीज सीखें। डेफिनेटली इस बार बहुत सारे अलग अलग स्कूल के भी बच्चे आए हैं, इवन आरा के ही नहीं, यूपी साइड से भी, जैसे कि रियान इंटरनेशनल नोएडा से भी बच्चे था, मिर्ज़ापुर के थे, बनारस आर्यन के बच्चे थे और राजघाट बनारस के बच्चे थे। तो इन लोगों के सबके यहाँ आने से एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर बच्चों को मिला, एक दूसरे के साथ उन्होंने बहुत कुछ इंटरेक्ट किया, एटमॉस्फेयर उन्हें डिफरेंट था, तो उन्होंने बहुत सी एक्टिविटीज़ सब साथ में सीखी। और आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी कराएंगे जो कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होगा, और बच्चों को वो डिफरेंट एकदम एटमॉस्फेयर देगा, ताकि बच्चे यहाँ लर्निंग के साथ साथ कॉम्पिटिशन और एक कॉम्पिटेटिव, हेल्दी कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पर हम लोग एक बच्चों के लिए क्रिएट करेंगे। ये जो स्विमिंग है उनके लिए स्विमिंग ओपन होने जा रही है, वो हमारे रेगुलर क्लासेस में इंक्लूड होगी, और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो स्विमिंग रेगुलर बेसिस पे सीख सकते हैं और कर सकते हैं। मैडम स्विमिंग के लिए कुछ अलग से चार्ज भी लगेगा मतलब? हाँ, स्विमिंग के लिए कुछ अलग चार्जेस होंगे, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस और उसके इंस्ट्रक्टर के लिए हम लोगों ने अलग से सुविधाएं दी गई है, इसलिए बच्चों के लिए जो चार्जेस होंगे, जो भी पे करेंगे और जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो स्विमिंग कर सकेंगे।